सारा कसूर मेरा है। सेबू और आरेश की कोई गलती नहीं, फवाद भी मासूम था। काश मैं ये झूठ बोलकर फवाद और सेबू की शादी ना करवाती, आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। काश, बहुत गलत किया, अल्लाह मुझे माफ करे, गलत फैसला कर लिया मैं। क्या सोच रही हो सर? आजकल मैं सोचों में घिरी रहती हूँ। तो मुझे भी बताओ किन सोचों में घूमो। शाहनवाज, मैं चाहती हूँ कि मेरी भी औलाद हो, मेरा भी बच्चा हो, ये मेरी ख्वाहिश है। तुम अभी तक इस बात को लेकर बैठी हो? अनाया के होते हुए मुझे और औलाद की जरूरत नहीं है सर। मगर मुझे है, मैं माँ बनना चाहती हूँ, ये मेरा हक है। ये अचानक से तुम्हें माँ बनने का ख्याल कहाँ से आ गया? इसे माँ बनना इतना आसान काम नहीं है। इंसान को खुद को भूलना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है। मियाँ बीवी की जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी हम एंजॉय करें साथ। इन बातों के लिए बहुत वक्त है। मैं समझती हूँ कि हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है और यही मुनासिब वक्त है। तो मुझे लगता है कि ये इन बातों के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। तुम जज्बाती हो और आप मेरी बात और मेरे जज्बात नहीं समझ रहे। क्या यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है? हम एक दूसरे को इतना ही समझ पाए? या तुम अनाया को अपनी बेटी नहीं समझती? अनाया हमारी बेटी है, मगर मैं अपनी औलाद भी चाहती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि माँ बनने की ख्वाहिश इतनी शदीद होती है। ज़ेब, ये सिर्फ तुम्हारा जज्बाती रूप है, प्लीज ड्रॉप इट। आप इसे जो भी समझें, मगर मैं माँ बनना चाहती हूँ और मैं अपनी इस ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हो सकती।